हेलो फ्रेंड्स, सो गोवा के सबसे हॉन्टेड तीन में से दो प्लेसेस डिमेलो हाउस और ब्रोकन ओल्ड बोरिम ब्रिज विजिट करने के बाद हम तीसरा प्लेस देखने के लिए गए जो हॉन्टेड होने के साथ साथ वेरी सिनिक और प्लेस ऑफ वर्शिप भी है। ये एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है। हाँ जी, इसका नाम है थ्री किंग्स चर्च और चैपल। सो आइए देखते हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं। हाँ जी जनाब, ये जो चर्च है ये चार कारणों से काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड एक मस्ट विजिट प्लेस है। पहला तो ये एक बड़ा क्यूट सा शांत सा चर्च है जो जनरली स्पेशल ओकेजन्स संडेज को मास के लिए या ऐसे वेडिंग्स वगैरह के लिए ही सिर्फ ओपन होता है। और थ्री किंग्स जिनके की नाम पर ये चर्च है उनके लिए 6 जनवरी को हर साल यहाँ पर फीस्ट एंड फेयर भी होता है। और दूसरा कारण मस्ट विजिट का यह है कि ये हिस्टोरिकल एंड हॉन्टेड भी है। इसकी हिस्ट्री या इसके पीछे का जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि लगभग 15वीं शताब्दी में यहाँ पे पुर्तगीज़ लोगों का जब साम्राज्य हुआ करता था तो यहाँ 3 किंग थे जो इस एरिए पे अपना साम्राज्य करना चाहते थे। तो उसमें से जो एक किंग था उसने दूसरे किंग्स को एलिमिनेट करने की एक चाल बनाई। उनको यहाँ पे बुलाया एक फीस्ट के लिए और डिस्कशन के लिए, और खाने में जो फीस्ट का खाना था उसमें जहर मिला के इन लोगों को मार दिया, दूसरे दो किंग्स को। वो जो किंग था जिसने मारा उसका नाम था किंग होलगर। तो जब इसकी खबर आसपास के जगहों पे यहाँ की पड़ी तो जो आम जनता थी वो बहुत नाराज हो गई और दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग इन बिग वे। किंग ने उस डर उनके डर से खुद ने भी जहर खा के वो सेम खाना अपने प्राणों की आहुति दे दी। और तीनों किंग्स को इट इज़ बिलीव्ड इसी चर्च में आसपास दफनाया गया है और तब से उनकी आत्मा यहाँ पर हर समय पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह देखा गया है। सो ये तो हुई उनकी कहानी। थर्ड रीज़न टू विजिट इज़ यहाँ की सीनिक ब्यूटी। ये जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सीनिक है और साउथ गोवा में वेरनास या डाबोलीम एयरपोर्ट वगैरह से जस्ट 10-12 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ अगर आपको आना है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप यहाँ शाम के वक्त आएँ, क्योंकि यहाँ से जो पैनारोमिक एरियल व्यू है, क्योंकि ये पहाड़ी के ऊपर है, बहुत ही अच्छा है। कुछ समय यहाँ पे आप अच्छे सीनिक व्यूज़ का इंजॉय कर सकते हैं। 360 डिग्री व्यूज़ मिलता है, उसको इंजॉय कर सकते हैं। रात को यहाँ पे जनरली कोई रहना भी नहीं चाहता है और आई बिलीव यहाँ रहना अलाउड भी नहीं, रुकना अलाउड भी नहीं है। शाम के बाद पुलिस वगैरह भी पेट्रोलिंग करती है। हम 2-3 बार जितने बार भी गए हमने ये देखा है। और क्योंकि यहाँ से व्यू काफ़ी सीनिक है तो इसका एडवांटेज बॉलीवुड वालों ने लेना तो बनता ही है। सो फोर्थ रीज़न टू विजिट इज़ फिल्मी चक्कर, यानी बॉलीवुड लोकेशन है ये और काफ़ी मूवीज़ की यहाँ पे शूटिंग हुई है। जैसे पहली थी भूतनाथ जिसमें हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार श्रीमान अमिताभ बच्चन ने भूत का रोल निभाया था और उस फिल्म के एक सीन को यहाँ
शूट किया गया था जिसमें शाहरुख खान अमिताभ बच्चन उर्फ भूतनाथ के लड़के को भूतनाथ का श्राद्ध करने के लिए एडवाइस देते हैं। वो सीन यहाँ का था, आपको दिख ही रहा होगा। और दूसरी फिल्म थी फाइंडिंग फैनी, जिसमें दीपिका पादुकोण और अर्जुन कपूर और नसरुद्दीन शाह वगैरह का रोल है। उसके काफ़ी सीन यहाँ पे पिक्चराइज किए गए हैं, उसमें से वो वेडिंग वाला सीन तो काफ़ी फेमस है। तो इस लोकेशन पे एक बार विजिट तो जब आप गोवा आते हैं आई थिंक एक शाम को बनता ही है। उसके बाद आप कोई नियर बाय साउथ गोवा के बीच पे जाके नाइट भी एंजॉय कर सकते हैं। सो यहाँ के कुछ सीनिक व्यूज आपको दिखा रहे हैं, लेट्स एंजॉय। सभी व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट, अभी तो आप पेंडेमिक जोरों पर है, तो घर पर रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें और हमारे वीडियोस को देखकर लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। और जब सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए, तो जब आपको गोवा आना हो या गोवा का प्लान बनाएंगे, तो आई एम श्योर आप ऐसे भीड़ भरे हुए बीच पे डेफिनेटली अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ एंजॉय नहीं करना चाहेंगे। तो हम आपको ले चलते हैं अभी नेक्स्ट एपिसोड में गोवा के एक एकदम यूनिक से कूल मॉरिशस टाइप बीच पे, जहां पर आप कुछ टाइम अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर सकें। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। क्या मजे की बात है। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर से शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।